विधान परिषद की दो सीटों के लिए आज मतदान हो रहा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नितिन अग्रवाल। क्या लग रहा है सर, जीत निश्चित है? समाजवादी पार्टी ने भी दो प्रत्याशियों को उतारा हुआ है। देखिए, ये तो चुनाव थोपा गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, वो क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। उपचुनाव में अगर कोई प्रत्याशी उतारता है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये चुनाव थोपने का काम किया है, लोकतंत्र को मजाक करने का काम किया है। और जैसे जैसे आपने भी देखा कि जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी की सुनिश्चित हार है, जहां वो जीतने की कोई संभावना ही नहीं है, उन सीटों पे तो उन्होंने पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के प्रत्याशियों को उतार दिया। और जहां वो देखते हैं कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है, वहां अपने खास लोगों को उतारने का काम करते हैं, जाति विशेष के लोगों को उतारने का काम करते हैं। तो ये लोकतंत्र में मजाक करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया। कि आज शिवपाल यादव यहाँ पर पहुँचे, अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे, दलितों को पिछड़ों को जिताने की बात कर रहे हैं, प्रेम जो है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने विधायक उन्होंने, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने अभी फिर से कहा कि यही तो ढोंग है जो समाजवादी पार्टी के नेता जनता के बीच में लगते हैं। जो सीट जीतते हैं वहाँ एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को टिकट दे देते हैं, जहाँ सुनिश्चित हार है वहाँ वो उन चेहरों को सामने कर देते हैं जिनको वो राजनीति में आगे तो नहीं लाना चाहते, लेकिन ये ढोंग करने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने मौका दिया है। तो ये भी समाज का वो वर्ग देख रहा है। आज मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी उत्तर प्रदेश में है जिस पार्टी ने समाज के हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को, नेताओं को और जनप्रतिनिधियों को समान मौका देने का काम किया है, सत्ता में भागीदारी देने का काम किया है, उनके अपलिफ्टमेंट करने का काम किया है। तो आज यही कारण है कि प्रदेश का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। मोदी के 9 साल भी पूरे हो रहे हैं, सीएम भी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आप लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है लोगों तक पहुँचने की, कैसे देखते हैं? देखिए, एक ऐतिहासिक 9 वर्ष पूरे हुए हैं भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और अभी कल ही नई संसद का भी उद्घाटन हुआ है। ये लोकतंत्र के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला पल है जो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को नई संसद को समर्पित किया गया है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिना रुके बिना थके देश के 140 करोड़ जनमानस की सेवा करने का काम किया है, देश के अति पिछड़े, गरीब, महिलाएं, दलित शोषित समाज के हर वर्ग को साथ लेकर उनके उत्थान के लिए काम किया है। ये एक स्वर्णिम अमृतकाल का एक स्वर्णिम दिन भी होगा, और कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो कल का वही एक ऐसा पल था जो आगे भविष्य के लिए स्वर्णिम अक्षरों में तो लिखा ही जाएगा, लेकिन एक हमेशा के लिए एक यादगार उनको स्थापित हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है विश्व का, जिस तरीके से भारत की भूमिका को पूरे विश्व में एक गुरु के लिए स्थापित किया है, एक भारत को एक विश्व गुरु बनाने का काम किया है, ये बहुत कोई असाधारण बात नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष में उन्होंने जिस तरीके से देश के लोकतंत्र को और मजबूत किया है, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अम्बरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।